यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि जो पटना पुलिस न कर सकी वो अरवल पुलिस ने किया। सिर्फ दो घंटे में अरवल पुलिस ने कर दिखाया जो पटना पुलिस नहीं कर पाई। हमारे साथ बबलू जी थे। नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार नेशन। हम आपको एक बार पहले भी दिखा चुके हैं कि अरवल पुलिस और 12 घंटा जो अपराधियों के लिए काफी होता है कि अरवल पुलिस के द्वारा जो अपराधियों के द्वारा क्राइम किए जाते हैं और 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसको लेकर एक हमने मुहिम चलाई थी और उसका साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट बबलू जी दिए थे और उसी का पुनः एक बार अरवल पुलिस ने दोहराने का काम किया है और फिर से एक वैसे कुख्यात लुटेरे को गिरफ्तार करने का काम किया है और महज 12 घंटे के भीतर लगभग 9 से 10 अपराधी एक लूट कांड में शामिल थे जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट बबलू जी हैं। हम इन्हीं से जानने का प्रयास करें कि आखिर क्या अरवल पुलिस के पास ऐसा है जो महज 12 घंटे के भीतर ही अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज देती है। क्या अरवल पुलिस और 12 घंटा जो हम लोग मुहिम चला रहे थे और जो हम लोग खबरें कर रहे थे, अरवल पुलिस का जो काम है जो 12 घंटे के अंदर उनकी बरामदगी होती है, गिरफ्तारी होती है, इसमें तो 12 घंटा तो प्रोसेसिंग में लग गया लेकिन महज 2 घंटे के अंदर ट्रक को डिटेक्ट कर लिया गया और ट्रक को बरामद भी कर लिया गया। तो अरवल पुलिस का काम करने का एक अजब शैली है और उसको विस्तार से समझेंगे। जो पटना के धनरुआ थाने की पुलिस नहीं कर पाई, यानी 16 दिसंबर से आज 28 दिसंबर हो गया, इतने दिन में धनरुआ थाने की पुलिस जो नहीं कर पाई वो महज 2 घंटे में अरवल पुलिस करके दिखाई। क्या मामला है कि किंजर में एक धान लदा ट्रक था और उसी रास्ते NH 110 से गुजर रहा था और कुछ बोलेरो सवार आते हैं और ट्रक को रुकवा कर चालक और खलासी को बैठा लेते हैं, गाड़ी में बोलते हैं कि साहब बुला रहे हैं। अब वो कौन से साहब हैं, कौन से विभाग के साहब हैं, अभी इसका उजागर नहीं हुआ, लेकिन चालक और खलासी को बैठा कर और उसके बाद उसको लेके चले जाते हैं। ट्रक को बोलेरो में बैठा एक व्यक्ति चलाता है, चालक को इमामगंज से करपी थाना क्षेत्र के इलाके में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद चालक आता है और चालक जैसे ही आता है तो एक ट्रक को रुकवा कर कहता है, भाई हम भी चालक हैं, ऐसी ऐसी घटना हो गई, हमको कॉल करना है। और सबसे पहले चालक अपने ड्राइवर अपने मालिक को फोन करता है और उसके बाद 112 का सहारा लेता है। तो जो 112 का जो फिर भी देखते हैं कि ऐसे काफी लोग की जागरूकता नहीं, लेकिन ट्रक चालक को ये बात जानकारी है कि 112 पर जैसे ही कॉल करेंगे अरवल पुलिस का 112 पहुंचेगी और उसमें उसका मामला को समझेगा। तो 112 पहुंची, थाना अध्यक्ष करपी उमेश राम को सूचना दी गई, उन्होंने वरीय पदाधिकारी को सूचना दी और सूचना मिलने के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव रंजन अपने काम पर निकल गए रात्रि में ही। ये लगभग 1:30 बजे की बात है, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपनी टीम के साथ काम पर निकल गए। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद कासिम अपनी टीम के साथ अलग मॉनिटरिंग कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, जिले को सीलिंग कराए, सभी थाना अध्यक्षों को रात्रि में जगाए, उनको दौड़ा दिए और इसका नतीजा है कि जैसे ही वो ट्रक मेहंदिया थाना क्षेत्र के वलीदाज नटबीघा के पास धान के साथ खड़ी थी और धान अनलोड किया जा रहा था गोदाम में, मेहंदिया थाना अध्यक्ष वहां पहुंचे और ट्रक को जब्त कर लिया। और उसके बाद एक व्यवसायी हैं शंभू साव, उनकी गिरफ्तारी हुई और उनकी गिरफ्तारी से उनसे पूछताछ से पूरे मामले का खुलासा हुआ। तो ये जो पूरे नेटवर्क है, ये लूट का गिरोह है, इसमें अभी बहुत परत दर परत मामले खुल के आएंगे। अभी जो मामले खुल के आए हैं इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका मोटिव है कि इसका ट्रक लूटने का कोई मकसद नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, धान लदे ट्रक को लूटते हैं, धान को बेच देते हैं व्यवसायी के पास और ट्रक को कहीं जाके खड़ा कर देते हैं और पुलिस को ट्रक बरामद हो जाती है, उसका स्वामी को सौंप दिया जाता है। हाँ, तो पुलिस के लिए बहुत आसान काम है कि ट्रक लूट का मामला दर्ज हुआ और जहाँ लावारिस हालत में ट्रक खड़ी है तो बरामद होना ही है, अपना उपलब्धि समझते हैं पुलिस। हाँ, पुलिस ट्रक को बरामद करना ही उपलब्धि समझते हैं, लेकिन अरवल पुलिस में ऐसा नहीं है। उस गिरोह को पकड़ती है और जो उसमें शामिल है उस सलाखों के पीछे पहुंचेंगे और उनके लिए कुशल 12 घंटा है। चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। हाँ, 12 घंटे के अंदर 4 लोग गिरफ्तार हो गए, अभी वो जेल भी जा चुके होंगे। और आपको बताया कि हम लोग खबर जब शूट कर रहे हैं पुलिस उस गिरोह के मुख्य सरगना तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, दबोचने का प्रयास कर रही है। हाँ, उसकी टीम चल रही है, छापेमारी हो रही है। तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग जैसे ही खबर अपलोड करें और उसकी भी गिरफ्तारी हो जाए। पुलिस का कहना है कि 12 बजे रात की घटना है, लगभग 1:30 बजे
के बाद यानी कि 2 से 3 बजते बजते जो है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और ट्रक को भी बरामद कर लिया गया। ट्रक गया जिले के टेकारी से आ रही थी धान लोड करके, लगभग 32 टन, ड्राइवर के अनुसार 32 टन उसमें धान लोड किया गया था और बक्सर लेके जाना था, लेकिन बीच रास्ते में किंजर थाना क्षेत्र में ही अपराधियों के द्वारा गाड़ी को रोकवा कर साहब के नाम पर, अब कौन साहब थे, थाने के साहब थे, थाने के साहब नहीं थे, कोई प्रशासन के साहब थे जो फाइल चेक करते हैं, गाड़ियों की जांच करते हैं, तो पुलिस के साहब नहीं थे। जैसा कि ड्राइवर का कहना है, खलासी से भी हमने बात की, वो कहा कि शायद MBI, DTO, अगर अलग अलग तरह के लोग वाहन की जांच करते हैं। कई लोग जानना चाहते हैं कि आखिर रात के अंधेरे में अगर वाहन जाती है तो साहब के नाम पर अगर कोई गाड़ी को रुकवाते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी सतर्क रहने की जरूरत है और गश्ती बढ़ाने की जरूरत है क्या? पुलिस हमेशा गश्ती करती रहती है, तो पुलिस इस तरह की नहीं, क्योंकि पुलिस की गाड़ी दूर से पहचाना जाती है, उसमें लाइट लगे होते हैं और एक बोलेरो से वो लोग आते हैं, तो बोलेरो से चाहे कोई भी गाड़ी हो पुलिस की गाड़ी पहचान में आ जाती है। लेकिन जो सिविल जॉब में जैसे जिला प्रशासन के लोग, खनन पदाधिकारी हो, DTO, MBI, मतलब ऐसे कुछ पदाधिकारी हैं जो बगैर ऐसे ही जाते हैं, सिविल में जाते हैं, तो उनकी गाड़ी की पहचान नहीं आ पाती है, नहीं तो पुलिस की गाड़ी तो अक्सर लोग, ड्राइवर का कहना है कि कोई बोलेरो से आता है, हम गाड़ी लेकर जा रहे होते हैं और आगे लगा देता है, उसके बाद हम गाड़ी रोकते हैं, बोला जाता है कि साहब बुला रहे हैं चलो। तो ऐसे में सतर्क रहना चाहिए, ड्राइवरों को भी सतर्क रहना चाहिए कि कौन लोग हैं, पहले उसकी जांच होनी चाहिए, भाई आप कौन से साहब हैं, आखिर साहब डायरेक्ट वहीं क्यों बुला रहे हैं, जानिए कौन लोग हैं। इस मामले में अरवल SP मोहम्मद कासिम के निर्देश पर कुर्था थाने की पुलिस, करपी थाने की पुलिस, किंजर थाने की पुलिस, अरवल थाने की पुलिस, रामपुर चौरम थाने की पुलिस, यहाँ तक महेंदिया थाने की पुलिस तक को भी लगा दिया गया और इतनी बड़ी घटना को तुरंत जो है उद्भेदन कर लिया गया। देखिए पुलिस अधीक्षक मोहम्मद कासिम क्या एकदम मतलब अलर्ट मोड में रहते, रात में अब 2 बजे भी कोई घटना है फोन कीजिए, फोन पे संपर्क, SP DSP दोनों को, DSP साहब को भी फोन कीजिए, वो अलर्ट मोड में रहते हैं किसी टाइम। तो यही कारण है कि जितने भी केस डिटेक्ट होते हैं 12 घंटे के अंदर, तो घटना होने के बाद ये लोग निकल जाते हैं ना अपराधियों को दबोचने के लिए, खुद सड़क पर उतर जाते हैं रात भर, जब तक कुछ बरामद नहीं हो जाता है जब तक घूमते रहते हैं, नींद नहीं आती है दोनों को, अरवल के लिए बहुत अच्छी बात। कुल मिलाकर कहा जाए कि अरवल पुलिस से अगर 12 घंटे अपराधी अगर अपराध करने के बाद बच गए तो कुछ दिन बच सकते हैं। 12 घंटा बहुत का तो कहना है कि मेरे पास अपराध करने के बाद कुछ ही घंटा का समय अगर हमें स्वतंत्र रूप से मिल जाए तो अपराधी को धर दबोच ही लेंगे। देखिए उनका काम करने का एक अलग टीम है उनके साथ और बड़े सजीगी से काम करते हैं, तो वो ये हमेशा एक्शन मोड में रहते हैं। अभी देखिए धनरुआ इसी जो ये पकड़ा गया है गिरोह, बताया जाता है कि पहले भी धनरुआ थाने से यही अपराधी इस तरह के कांड कर चुके हैं, लेकिन अब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। धनरुआ थाने के पुलिस को ट्रक बरामद हुआ, वो आराम से सो गए, क्या हुआ, धान कहाँ गया, इसमें कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है। लेकिन अरवल पुलिस का काम करने का शैली और बिहार के अलग अलग पुलिस से बेहतर है, यही नतीजा है। आज 4 से 5 घंटे में ही गिरफ्तार कर लेना, 12 घंटे के अंदर अपराधी सलाखों के पीछे पहुंचा देना बहुत बड़ी बात है, यही तो पुलिस पर भरोसा जगा है। और लोग रात्रि में भी सीधे फोन करते हैं, देखिए चालक है, इसके पास फोन नहीं था और फोन किया 112 को, 112 अलर्ट थी और उसके बाद वो, यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि जो पटना पुलिस न कर सकी वो अरवल पुलिस ने किया, सिर्फ 2 घंटे में अरवल पुलिस ने कर दिखाया जो पटना पुलिस नहीं कर पाई। हमारे साथ बबलू जी थे, इनपे हम बात कर रहे थे कि इतनी बड़ी लूट की घटना का अंजाम अरवल जिले में दी जाने वाली थी, जिसको लेकर अरवल पुलिस के द्वारा जैसे ही इस बात की सूचना मिली तो पुलिस ने तत्परता के साथ कार्य करते हुए महज 4 से 5 घंटे यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो 12 घंटे के भीतर ही पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, उसमें लगभग 9 से 10 आरोपी शामिल हैं। बाकी की गिरफ्तारी को लेकर लगातार पुलिस के द्वारा छापेमारी अभियान चलाई जा रही है और बीती रात्रि करपी थाना अध्यक्ष के द्वारा प्रमंडल पुलिस पदाधिकारी को 1 बजे के आसपास सूचना दी गई कि 2 एक ट्रक ड्राइवर और खलासी ने 112 को सूचना दिया है, 112 थाना अध्यक्ष को सूचना दिया कि मेरी ट्रक एक बोलेरो पर सवार व्यक्ति के द्वारा लूट कर भाग गया है। चूँकि उसने 1 घंटा बाद सूचना इसलिए दिया कि 1 घंटा बोलेरो पर इसको घुमाता रहा, उसके थाना अध्यक्ष के बाद फिर ड्राइवर से भी मंडल पुलिस पदाधिकारी की बात हुई, फिर उसके मालिक से भी बात हुई। लगातार इस घटना के सूचना मिलते ही मंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव ने अपने टेक्निकल सर्विलांस के द्वारा कार्रवाई शुरू कर दिए और मेरे स्तर से पूरा जिला को इसमें लगा दिया गया, इस पूरे जिला को सील कर दिया गया। तो पता ये चला कि जैसा ड्राइवर ने बताया कि
एकाएक बोलेरो पर सवार व्यक्ति ओवरटेक किया और कहा कि गाड़ी पर साहब बैठे हुए बुलाना है। गाड़ी मेरी रुक गई थी ओवरटेक करने के बाद, फिर उसके बाद मुझको ले गया, फिर बाद में खलासी को ले बोलेरो को बैठाया, एक व्यक्ति बोलेरो से उतरा और गाड़ी को लेकर चला गया ट्रक। फिर ये इमामगंज के पास एक घंटा तक उस गाड़ी पर बैठा के टाइम बिताता रहा। उसके जब हम उनको छोड़ दिया तब हम 112 को रिंग किए। एक तब हम क्या किए कि एक ट्रक आ रही थी, मेरा मोबाइल भी उसी गाड़ी पर छूट गया था, उसको हाथ दिए रुका तो उसको अपनी बात बताया, उसने मोबाइल दिया, उसने हम 112 को सूचना दिए और गाड़ी मालिक को भी सूचना दी। और इसी आधार पर फिर पुलिस उसने बताया कि आप तो कार्रवाई शुरू की। तो इसी कार्रवाई क्रम में टेक्निकल सर्विलांस के द्वारा नल पुलिस अधिकारी के द्वारा लोकेट किया गया कि गाड़ी नटबिघा के पास एक शंभूसा का धान का गोदाम है उसी के पास खड़ी है। फिर इनके द्वारा बताया गया मेहदिया थाना अध्यक्ष को, उसके द्वारा गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया, लेकिन उस पर सवार जो ड्राइवर वगैरह सब भाग गए सब भाग। फिर टेक्निकल सर्विलांस के द्वारा पूरी टीम इस पर लग गई और पहले जो गोदाम का जहाँ ट्रक खड़ी थी उसके मालिक शंभू साहब को गिरफ्तार किया गया और फिर उसके बाद उसके कन्फेशन लिया गया, फिर टेक्निकल सर्विलांस किया गया। उसके आधार पर लगातार विनय माझी की गिरफ्तारी की गई, विनय माझी किंजर के रहने वाले हैं और नीतीश की गिरफ्तारी ये जहानाबाद के रहने वाले हैं उसकी गिरफ्तारी हुई और राहुल जो किंजर के रहने वाले, नीतीश की गिरफ्तारी के साथ ही उसने ये बताया कि जिस वाहन से लूट की गई थी वह वाहन अब उसके घर के आसपास ही है। फिर अनुमंडल चालक तो वही था ही, लेकिन उसने ही बताया कि वो गाड़ी वहाँ है, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में ही जहानाबाद में रेड हो रहा था। फिर उनके द्वारा फिर वाहन को अपने कब्जे में लिया गया और इस तरह से अन्य लोग भी इसमें संलिप्त है, सब लोगों के विरुद्ध अभी चल रहा है टेक्निकल सर्विलांस चल रहा है, उनकी गिरफ्तारी भी बाकी है, विचार की गिरफ्तारी हुई है। इस तरह से दूसरी बात इसने ये भी बताया कि शंभू साहब से जब पूछताछ किया गया और टेक्निकल सर्विलांस से उसे बताया गया कि अन्य बातें भी इसमें आती है तुम्हारे मोबाइल से को देखने पर, तो उसने स्वीकार किया कि 16 तारीख को धनौरा में एक लूट हुई, उसमें भी मेरे यहाँ ही माल ला के वो व्यक्ति लुटेरा ला के दिया था, जिसमें जो 2.5 लाख रुपया उसने बताया कि हमने उसके अकाउंट में डाला है, 2 लाख कैश दिया है। इस तरह से धनौरा पटना का केस भी इससे उद्भेदित हुआ और उसमें चूंकि ट्रक लेके चला गया था और माल इसके यहाँ दे दिया गया था। इस तरह से अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, टेक्निकल सर्विलांस जारी है, अन्य लोगों की गिरफ्तारी बाकी है, क्योंकि मेन जो शातिर अपराधी है जो मेन लुटेरा है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जो सरगना है उसकी गिरफ्तारी अभी तक। तो उसने स्वीकारोक्ति बयान में ही बताया कि धनौरा वाली घटना में हम सम्मिलित हैं और उसमें चूंकि धान मेरे यहाँ ही डंप किया था और पैसा भी दिया था, अन्य के बारे में भी नहीं बताया। फिर अन्य लोगों की गिरफ्तारी होगी, मेन शातिर क्रिमिनल जो है उसकी गिरफ्तारी हुई तो पता चलेगा कि निश्चित रूप से अनुमंडल अधिकारी को आदेशित किया गया कि देखेंगे कहाँ था उसकी संपत्ति, इस तरह के लोगों के विरुद्ध संपत्ति की जांच की होगी। और कुल 10 लोग 9 लोग तो लुटेरे ही हैं और एक समूह गिरफ्तारी। दूसरी बात यह है कि 1 तारीख चालित है किंजर से आगे बढ़े तो हमको बोलेरो से आकर एकाएक रुकवा लिया गाड़ी और बंधक बनाकर लेकर चला गया गाड़ी ट्रक और बाद में लेकर चला गया। उसके बाद एक ठो गाड़ी को हाथ दिया, हम रास्ते में 20-25 किलोमीटर बाद छोड़ा, हमको रास्ते में हाथ दिया, एक ठो ट्रक का रुकवाए तो मालिक के पास फोन किए, उसके बाद 112 वाला कॉल किए, उसके बाद 112 वाली गाड़ी आई हमको उठाकर थाना में ले गए। धान सब मिल गया धान मिल गया, गाड़ी भी मिल गया है, हम लोग भी सुरक्षित।